लेकिन तू चाहती क्या है? क्यों अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? मुझे पता है ना तूने अंदर क्या किया है। शैली के सामने संजू की ऐसी साइड ले रही जैसे संजू सच में तेरा कुछ लगता हो। भाई चांस अगर शैली को शक हो जाएगा तो? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या गलत किया है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आफ्टर ऑल संजू परी का हस्बैंड है और परी मेरी बहन है। इस हिसाब से संजू मेरा जीजा हुआ और अपनी जीजों की मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आफ्टर ऑल परी मेरी बहन है ना, एक ऐसी बहन जो असल में मेरी सौतन है, जो मेरा साथ देते देते मेरे पति को मुझसे छीन कर ले गई। लेकिन तू चाहे कुछ भी कर ले परी। क्या नीति बचा पाएगी अपने आप को? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो परी है वो राजीव को संभाल रही है। राजीव से कह रही है कि कुछ ना कुछ करके हम करेंगे तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश, तो तुम बिल्कुल मत घबराओ। यहाँ पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती है। इस बार मैं साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाऊंगी, चाहे जो हो जाए इस बार संजू को मेरा ही होना है और वो मेरा होके रहेगा। और उसके लिए मुझे संजू को सबसे पहले इस जेल से बाहर निकालना होगा। जैसे मैं उसे इस जेल से बाहर निकालूंगी ना, संजू को रियलाइज हो जाएगा कि आज भी मेरे दिल में उसके लिए कितनी जगह है, कितना प्यार करती हूँ मैं उसे। आज भी उसे एहसास हो जाएगा मेरे प्यार का और फिर वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। वैसे भी वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है परी, सिर्फ उसे गुस्सा है। किस तरीके से राजीव और परी के बीच में एक हमें इमोशनल सीक्वेंस देखने को मिलता है। नीति को जलन होती है लेकिन नीति कहती है भाई कुछ दिन की बात है, फिर मैं संजू को जेल से बाहर निकाल लूंगी तो संजू मेरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई लॉयर ही नहीं मिल रहा है। अजीब बात है, कोई लॉयर इन्हें मिल नहीं रहा है, जिस वजह से राजीव से लॉयर ने कह दिया है, जो भी लॉयर हायर करने की बात होती है उन्होंने भी कह दिया है कि भाई तुम्हारा क्राइम ही ऐसा है, तुमने इतनी बदतमीजी करी है, तुमने मधुलिका के साथ क्या क्या किया है, तो इसलिए जो है कोई भी लॉयर हायर नहीं होना चाहता तुम्हारे केस को लेकर। अब यहाँ पर होगा क्या कि नीति जो है वो इस केस को लड़ती हुई दिखाई देगी। नीति संजू को बचाएगी कैसे ना कैसे करके, उसे अपने नंबर बनाने हैं। और यहाँ पर जो नीति है वो संजू को बचाने के लिए खुद उसका केस लड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब कोई लॉयर मिल ही नहीं रहा है तो भला कुछ ना कुछ तो नीति करेगी। ऐसे में दूसरी ओर आने वाले एपिसोड में जो बेबे हैं वो भी अपना मुंह खोलेंगी नीति के खिलाफ। खैर कमेंट सेक्शन में फिलहाल तो आप अपनी राय बता दीजिए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।